सेलिब्रेट करेंगे. आई थिंक बहुत पहले सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी. अच्छा लगता है जब आप अच्छे आर्टिस्ट और उनके काम देखते हैं या नेचर के बीच कहीं जाते हैं. तो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट गिव मी एन एब्सोल्यूट हाई. तो मेरे लिए 500 आर्टिस्टों को देखकर उनका काम देखकर दिस यूनिक सेटिस्फैक्शन. एक इट्स एन अनबिलीवेबल फील. और यही पेंटिंग्स जब दीवारों पे बैरन दीवारों पे भी लगते हैं तो दीवारों और घर की खूबसूरती बदल जाती है. सब विश द बेस्ट एंड हार्ड वर्क. आई थिंक एक बहुत ही अच्छी हाँ दिस डायरेक्ट पेंटिंग आर्ट का शौक रखना और आर्टिस्ट है वो बहुत अलग चीज़ है. मैं उनमें से हूँ जिसे शौक है आर्टिस्टों का और काम का. एंड इसीलिए हार्ट ऑफ आर्ट से जुड़ा हूँ. एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ देश भर से आर्टिस्टों को एक मार्केट प्लेस पर लेके आना, उन्हें एक मौका देना अपने आर्ट को एग्जिबिट करने का, आई थिंक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है. इस बार आई थिंक आप 500 आर्टिस्ट को देख रहे हैं, बट आई थिंक प्रॉबेबली ऑनलाइन एक अपॉर्चुनिटी, एक मार्केट प्लेस और सारे आर्टिस्टों को एक साथ लाने का मौका. एंड यूज़र्स के लिए वेरी रास्ट अलग आर्ट, फोटोग्राफी, चाकोल आर्ट, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट्स हो, वो देखने का मौका. और मैंने काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे देखे जो नए हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया. आपने हर एक स्टॉल मैंने देखा कि हर एक स्टॉल पर आप गए, आपने मिले जी, कितना सरप्राइजिंग रहा आपके पेंटिंग वगैरह. सी देखिए, हम सिर्फ कुछ आर्टिस्टों को जानते हैं क्योंकि हमें उनका काम देखने का मौका मिला. आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ नए आर्टिस्ट, उभरते आर्टिस्ट, इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट सभी को एक साथ देखने की अपॉर्चुनिटी है. यंग यू नो होम ओनर्स जो चाहते हैं कि अच्छी आर्ट उनके घरों में रहे और इनके घरों को सवारे, मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल. आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कम सी एंड ऑल्सो इनक्रेज दीज वेरी आर्टिस्ट. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, देश के कोने कोने से आते हैं. बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपने काम को एग्जिबिट करने का. आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो मौका दिया जाएगा. एंड होपफुली इट विल ओनली इम्प्रूव, गेट बेटर, बट प्रोवाइडेड उतनी एनकरेजमेंट उन्हें मिले. कोई भी प्रोजेक्ट अकेले नहीं चलता, टीम की ज़रूरत होती है, साथ साथ में मेंटर की भी ज़रूरत होती है. कोई पर्सन ऐसा हो जो हमें गाइड कर सके, हमें समय समय पर बता सके कि हम इसको बड़ा और ग्रैंड कितना कर सकते हैं, कितना हम इसको एक्चुअल बायर्स, क्योंकि हमारे लिए आर्टिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन आर्टिस्ट के लिए बायर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम करना है, हम कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स के पास पहुँच सके, अच्छे लोगों के पास अपने हार्ट ऑफ आर्ट को लेकर जा सके, हमारे आर्टिस्ट को लेकर जा सके, उस चीज़ के लिए सुनील शेट्टी सर जैसे पर्सनालिटी का हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ उनका मेंटरशिप करना, हमारे साथ में उनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आर्टिस्ट किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए उनका सपोर्ट, फिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ हिम कि वो इस इवेंट के हमारे पार्ट बने, इस प्रोजेक्ट के हमारे पार्ट बने हैं. एंड वी होप दैट कि ये जो सबका ड्रीम कम ट्रू होगा, इंक्लूडिंग आर आर्टिस्ट ऑल्सो. जैसे कि ज्योति मैडम ने कहा कि ग्रैंड करना जो है किसी भी. हाय एवरीवन, मेरा नाम आशुतोष शिंदे है, आई एम फ्रॉम मुंबई. एंड यहाँ पे द हार्ट ऑफ आर्ट में मैं अपनी फोटोग्राफी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. सो आई एम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड मैं ट्रैवल करता हूँ इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया सब जगह पे टू कैप्चर ऑल दिस मोमेंट. सो ये एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्टिस्ट अपने स्किल्स को डिस्प्ले कर सकता है. एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. एंड आई बीन डिस्प्लेइंग माय वर्क इंटरनेशनली इन वर्ल्ड आर्ट दुबई फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स. आई बीन एग्जिबिटिंग देयर
and this is for the first time I am joining here, and Heart of Art ka bhi ye first edition hai. So I am very happy to be part of this. So these are all wildlife images I have taken in various regions like Kenya and India mein Ranthambore, Corbett aur Gujarat Nal Sarovar, and I have printed them on canvas, so ek alag texture aata hai. And yeah, so this is, these are limited edition print which are available for sale as of now. Thank you. Sir, ek question puchna tha aapse. Haan ji. ये जो सर फोटो के पीछे जो ब्लैक हो जा रहा है, हाँ हाँ, ये कैसे, मतलब कैमरा तो ऐसा नहीं कर पाता था? नहीं, सो अभी इसमें कैसा होता है कि कैमरा, आप अगर मैक्रो फोटोग्राफी करते हो या आप फ्लैश फोटोग्राफी करते हो तो आपका बैकग्राउंड डार्क होता है, या आप अगर समझो इमेज पे लाइट गिर रहा है और बैकग्राउंड आपका डार्क है तो आप अगर अंडर एक्सपोज करोगे तो डार्क होता है. बट यहाँ पे मैंने इसको, अगर आपने कैप्शंस पढ़े होंगे तो मैंने इसको फोटोग्राफी प्लस डिजिटल आर्ट दोनों को मिक्स किया हुआ है टू गिव अ डिफरेंट मूडी इफेक्ट. सो आप ये देख रहे हो कि एलिफेंट्स है, तो वो जो एक ग्रुप में है उनके ऊपर जो जो लाइट गिर रहा है, तो उस इमोशंस को बाहर निकालने के लिए मैंने उसको डिजिटली, उसको ब्लैक, उसको एडिट इस तरीके से किया है कि वो एक मूड, उसके इमोशंस बाहर आए. तो जैसे ये इमेज भी है जो लायन की है, तो ये इमेज जो एक अलग इमोशंस आपको दिखाई देता है, एक लायन और उसके बच्चे का, तो बैकग्राउंड को थोड़ा एडिट करके हम लोग ने उसको डार्क मूडी इफेक्ट दिया है, सो दैट इट कम्स आउट. नाउ बाकी इमेजेस है, सो दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट डन एनीथिंग, बिकॉज ये ओरिजिनली आपको एक अलग इफेक्ट देता है. तो जहाँ पे डिजिटल आर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम ब्लेंड करके देन प्रेजेंट इट, सो दैट अगर अभी जैसे हम ये इमेज रख रहे हैं तो जो भी अपने घर पे रखना चाहेगा, सो दे वांट टू हैव अ एक आर्टिस्टिक पीस, उनको रखने की ज़रूरत होती है, तो दिस गिव्स अ डिफरेंट इफेक्ट टू दैट इमेज. सुनील शेट्टी सर आए थे, आपका देखा मैंने, देखा था आपको, हाँ हाँ, कैसा लगा सर? तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा कि बड़े आर्टिस्ट हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता, अपना टाइम बिजी शेड्यूल निकाल के आते हैं. उसमें भी आई सॉ कि यहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल से कम मैक्सिमम, हाँ, ज़्यादा उन्होंने रुके थे. ही वॉज एक्चुअली एडमायरिंग ऑल द इमेजेस, तो अच्छा लगा. कल विंदू जी आए थे तो विंदू जी ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट किया. सो अच्छा लगता है कि अगर कोई खुद आर्टिस्ट जो है, अगर वो किसी और आर्टिस्ट का वर्क अप्रिशिएट करता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है. थैंक यू. हेलो, हाय, नमस्ते. मैं हूँ आर्टिस्ट हेमा ठाकुर. मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ और मुंबई से ही हूँ. मेरा बेस वैसे नासिक है, लेकिन हम लोग मुंबई में रहते हैं. तो बस मेरा ये जो आर्ट है, ये फ्यूजन वाली आर्ट है, और ऐसे आर्ट बनाने वाली मैं पूरे वर्ल्ड की पहली आर्टिस्ट हूँ. और अभी मैंने अपना नया सेगमेंट शुरू किया है, द यूनिवर्स, और ये काफ़ी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं इसके लिए. क्राउड क्या आ रहा है? क्राउड भी बहुत अच्छा आ रहा है, और सबको ये भी पेंटिंग बहुत पसंद आई और ये भी पेंटिंग बहुत पसंद आई. और हम देख रहे हैं यूनिवर्स आर्ट है, कभी ऐसा ध्यान में नहीं आया जैसे ब्लैक होल बनाएं समथिंग लाइक? तो मतलब ये जो यूनिवर्स है, मैंने प्लैनेट बनाए हुए हैं, सन बनाया हुआ है, ब्लैक होल समथिंग बनाने का प्लान? हाँ, मतलब बस ऐसे ही मुझे ध्यान में आया कि कुछ अलग हटके बनाना चाहिए, जैसे सब अपना अपना अलग बनाते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ हटके बनाना चाहिए. और मैं खुद बहुत ज़्यादा मेडिटेशन योगा करती हूँ, तो शायद योगा के इसमें मेडिटेशन में मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि ऐसे कुछ बनाना चाहिए जो लोग बहुत पसंद करेंगे, और सच में लोगों ने बहुत पसंद किया. बहुत सर आए थे जी, उन्होंने भी देखा सब आपकी आर्ट, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. बहुत अपने आर्ट को अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो हम लोगों को बूस्टिंग मिलता है. जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, अगर उनका आर्ट किसी को पसंद आता है तो हर एक आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगता है, और वो अपने जो काम करते हैं उसमें और उनका प्रोग्रेस होते रहता है, उनको वो बहुत पसंद आता है. क्यों, तो हर एक का ही होता है. जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरो तो भागती है, तो जैसे ये कोई भी अपना आर्ट जो अप्रिशिएट करते हैं तो सबको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. थैंक यू मैम. थैंक यू.